गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये जानेंगे कि हम अपने फ़ोटो के किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही आसान तरीके से कैसे इरेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैकग्राउंड इरेजर नाम का ये एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए सिंपली आपको ये सब को ओपन करना है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, लोड अ फोटो, लोड अ फोटो को टैप करना है और हमारा इंटरफेस ऐसे खुल जाएगा। फिर आपको वो इमेज लानी है जिसे आप बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं। इस इमेज का बैकग्राउंड यूज करना चाहता हूँ, बस इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डन पे क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर एक मैजिक टूल दिख रहा होगा, नीचे टूल का सेक्शन में मैजिक टूल दिख रहा होगा, इस पर टैप करना है, फोटो को जूम करना है। जूम करने से क्या होगा कि आप अच्छे से पिक्सल को यूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसे अपने बैकग्राउंड पे चलाना है। तो बैकग्राउंड जो पार्ट आपको फोटो करना चाहिए उसको इरेज करते जाना है। बहुत ही ईजी वे में ये इरेज हो जाएगा। इस पर चलाते जाना है साइड साइड, फोटो की साइड से जो पार्ट आपका गलती से रह जाए यहाँ अंडो कर सकते हैं। साइड चलाते जाना है। बहुत इजी वे में आप फोटो एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। बैकग्राउंड के साइड साइड आपको चलाते जाना है। काम डन हो गया। अब इससे बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देते हैं। इरेज को भी देखते जैसे आप जीरो रखेंगे तो साफ जो एज है इसका वो स्मूथनेस का। तो मैं एक दो कर लेता हूँ, ये दो पे सही है। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।